एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो टुडेस वीडियो इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स, ऑल द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। So, if you are new to the channel, subscribe it so that you can get the latest notifications about the examinations, all the university related news and about the subject as concerned. So, we are going to start with the direct tax for the assessment year 2021. जो TY का applied component का paper है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं exactly कि direct tax क्या है, किस चीजों के ऊपर डायरेक्ट टैक्स रिलेट करता है, सेमेस्टर 5 का जो सिलेबस है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। सो इफ यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्सेस। सो डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या है। इफ यू सी इन सेमेस्टर 5, इन सेमेस्टर 5 यू हैव डायरेक्ट टैक्स एंड इन सेमेस्टर 6 यू हैव इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोथ कॉन्स्टिट्यूट योर पेपर ऑफ टैक्सेशन विच इज कॉल्ड एज DIT। सो आई एम गोइंग टू टेल यू सिंपल डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन Direct tax is a tax levied on income of an individual, whereas indirect tax is a tax levied on goods and services. So direct tax हमारा ऐसा tax है जो डायरेक्टली आपके इनकम के ऊपर लगेगा एंड यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑन एनी अदर पर्सन। आप डायरेक्टली जो टैक्स गवर्नमेंट को भरोगे वो आपका डायरेक्ट टैक्स होगा, और जो टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया जाएगा आपकी तरफ से वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। डायरेक्ट टैक्स हम इनकम टैक्स के बेसिस पे पढ़ेंगे एंड इनडायरेक्ट टैक्स वी आर गोइंग टू स्टडी with related with GST, because goods and services tax अपने आप में काफी important part है जो हम semester 6 में पढ़ेंगे। तो that is where the simple difference of direct and indirect taxes। आगे बढ़ते हैं, this is the syllabus for your semester 5। The syllabus is very vast for direct tax। We have basic concepts, we have the chapter of residential status, we have 5 heads of income। तो हम 5 heads of income पढ़ने वाले हैं। 5 heads of income मतलब आपका पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस रहेगा। 5 heads of income में वी विल बी लर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वी विल बी लर्निंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस। तो 5 heads आपके 5 चैप्टर्स है, इसी से रिलेटेड हम पूरा हमारा सिलेबस एक एक करके पढ़ेंगे। The other part is related with exemptions under section 10. The next part is exemptions, exemption under section 10 and deductions under chapter 6. After studying this, we'll be learning about the computation of total income. That means this is one of the chapter which will be related with all other chapters which we have seen previously. तो आपका पूरा ओवरऑल अगर सिलेबस की हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का जो सिलेबस है 5 हेड्स ऑफ इनकम में कवर होगा। 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन से हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब होता है ऐसे सोर्सेस जहां से आपको पैसे मिल सकते हैं। तो वी हैव इनकम फ्रॉम सैलरी, वी हैव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वी हैव इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वी हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड वी हैव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस से रिलेटेड है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द वर्ड टैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सो। तो टैक्स एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन वर्ड टैक्सो से डिराइव हुआ है एंड टैक्स इज वन ऑफ द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू कौन सा होगा, सो गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू होगा डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का। सो टैक्स इज वन काइंड ऑफ मेजर रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एज कंसर्न। इन इंडिया income tax was first introduced in the year 1860 by Sir James Wilson। तो आपको इनका नाम याद रखना है। Sir James Wilson is one of the person who has introduced the concept of income tax in India।
सो इनकम टैक्स इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 में, तभी मिलिट्री म्यूटिनी हुआ था, उसके बेसिस पे इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1886। अ सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास विच वॉज फर्दर अमेंडेड। द नेक्स्ट पार्ट इज द लॉ कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन सितंबर 1958 इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। एट प्रेजेंट दिस लॉ इज गवर्न्ड बाय द एक्ट ऑफ 1961। काफी बड़ा पैराग्राफ यहाँ पे दिया है, सो यू कैन लर्न द पैराग्राफ लेटर ऑन या यू कैन रीड द पैराग्राफ। आपको ब्रीफ में बताता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इंडिया में फॉर्म हुआ था, पास हुआ था इन द ईयर 1961। सो 1961 इज द इंपॉर्टेंट ईयर विच केम इन टू फोर्स ऑन फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 एंड इनकम एंड इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एप्लीकेबल है। ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू दी डायरेक्ट टैक्सेस आर पास बाय द सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने हैं दोज हु आर प्रिपेरिंग दी एग्जैक्टली द स्टेटस रिलेटेड टू योर डायरेक्ट टैक्सेस कंसर्न। सो दीज आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो वी हैव इनकम टैक्स एक्ट 1961, वी हैव इनकम टैक्स रूल्स 1962, ऑल द रूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय दी इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1962। फाइनेंस एक्ट, एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द बजट वंस द फाइनेंस बिल इज अप्रूव्ड बाय दी पार्लियामेंट एंड गेट्स द क्लियरेंस फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट बिकम्स अ फाइनेंस एक्ट। बेसिकली एक्ट बनने के लिए काफी सारे प्रोविजंस है, तो आपको इसमें से यही समझना है कि सबसे सिंपल बेस है कि डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो आपके इनकम के ऊपर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो गुड्स या सर्विसेज के ऊपर लगता है। डायरेक्ट टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट कब फॉर्म हुआ था? इनकम टैक्स एक्ट वॉज फॉर्म इन द ईयर 1961, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड याद रखना है। वी नीड टू ऑल्सो रिमेंबर दैट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स आर प्रिपेयर्ड बाई सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो अभी हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करेंगे, जो मैंने अभी आपके साथ बात की थी। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वी हैव डायरेक्ट टैक्स एंड वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स। तो इट्स वेरी सिंपल, डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो इनकम के ऊपर लगता है और जिसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो गुड्स या सर्विसेज पे लगता है और उसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सो इनडायरेक्ट टैक्स में हम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ेंगे। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज द होल सिलेबस रिलेटेड टू योर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो आपके सेमेस्टर 6 का सिलेबस है। तो फिलहाल हम डायरेक्ट टैक्स के ऊपर बात करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आपके इनकम के ऊपर लगता है, जो इनकम जो भी इंडिविजुअल इनकम अर्न करता है उसके ऊपर उसको डायरेक्ट टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं आपके लिए लाया हूँ। तो डायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें, तो डायरेक्ट टैक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जिसका अल्टीमेट बर्डन टैक्स पेमेंट, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स है, मतलब जो भी पर्सन जो भी इंडिविजुअल पैसे अर्न करता है वही इसके ऊपर टैक्स भरेगा। और यहाँ पे अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे हम शॉप में से कुछ परचेस करेंगे तो हम उस पर्सन को टैक्स देंगे और वो टैक्स वो पर्सन गवर्नमेंट को भरेगा। जिसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वैट का, लेकिन अभी ये सारे टैक्सेस नहीं रहे, अभी हमारे पास एक ही टैक्स है कॉल्ड एज जीएसटी, जीएसटी एक्ट 2017, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन द सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन एज कंसर्न। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो फ्रॉम दिस ओवरऑल वीडियो वी कैन कंक्लूड दैट इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट्स वेरी सिंपल। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेस। डायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय द पर्सन हु इज अर्निंग सम इनकम, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन वी कैन शिफ्ट ऑन अदर पर्सन, बट भरना जरूरी है।
अगर हम देखें तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1961 में पास हुआ था, और इनकम टैक्स में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे के सारे प्रोविजन, सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे रेगुलेशंस बनाने का राइट सीबीडीटी के पास है, कॉल्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो दिस इज द बेसिक रिलेटेड टू द पॉइंट। सो यहाँ पे मैंने एक डिस्टिंग्विश बिटवीन जैसे भी पॉइंट दिया है, यू कैन चेक दिस अकॉर्डिंगली कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या है और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। ऑल दिस डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू लर्न द सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, यू शुड आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अनलेस एंड अंटिल यू नो द डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, यू विल नॉट बी एबल टू गेट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स विच वी आर गोइंग टू लर्न फर्दर। ओके, सो दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे लाता रहता हूँ। टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर। थैंक यू वेरी मच।